बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम द इकॉनमिस्ट आवर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अथर अहमद। नाज़रीन, आज हम बड़े दिलचस्प और बड़े बुनियादी मसले पर गुफ्तगू करने चले हैं। यूं तो हमारा प्रोग्राम कारोबारी मामलात पर होता है जिस तरह आपको मालूम है, लेकिन आज हम कारोबार के ही एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो कि जिसके बग़ैर भी गुजारा नहीं है और जिसके बारे में कहा जाता है, बल्कि इसके बारे में मिसाल के तौर पर, मुहावरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि आटे में नमक के बराबर। मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत इसकी ऐसी है कि कम करना चाहिए, इसके बावजूद भी कोई ये नहीं कह सकता कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि इसके बग़ैर मज़ा नहीं है, टेस्ट नहीं है, इसके बग़ैर गुजारा भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये भी कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल कम किया जाए। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बग़ैर गुजारा भी नहीं है और ये भी कहा जाता है कि कम से कम इस्तेमाल करें। यकीनन बहुत सारे लोग और ख़ास करके घर में बैठी ख़वातीन तो ये चीज़ समझ गई होंगी कि मेरा इशारा है नमक के इस्तेमाल पर। तो आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में हमने जिस मेहमान शख्सियत को ज़हमत दी है, आपका तारुफ़ तो उनसे कराते हैं। ये पाकिस्तान में एक बड़े मशहूर सॉल्ट प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर्स हैं और नायब सदर हैं वफाक़ एवनाए तजारत व सनत के, जनाब इस्माइल सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और हमारे पास आप तशरीफ़ लाए रिकॉर्डिंग के लिए। सर, जिस तरह मैंने अपने तारुफी कलमात में कहा, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है मुहावरतन इस्तेमाल होती है, कम इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन इसके बग़ैर भी गुजारा नहीं है, तो आटे में नमक के बराबर। और ये सर, मैं वैसे तो आप नायब सदर हैं वफाक़ एवनाए तजारत व सनत के, तमाम कारोबार आप देखते हैं, उसके बारे में आपकी माहिराना राय से लोग फैज़याब होते हैं, लेकिन हम शुरुआत करना चाहूँगा मैं आप ही की प्रोडक्ट से, नमक की प्रोडक्ट से। पिछले दिनों माजी करीब में एक सोशल मीडिया पे बड़ी कंपेन चली, बड़ी तस्वीरें आईं, और ये सारी तस्वीरें आईं और इसके बारे में लिखा था कि आप पड़ोस मुल्क को ये बरामद करते हैं 35 पैसे फ़ी किलो के हिसाब से, और वहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है, इसकी ब्रांडिंग होती है, पैकेजिंग होती है, और वहाँ से 19 यूरो जो कि लगभग 3,100 कुछ रुपये बनते हैं, तो जब वहाँ पर इस वैल्यू एडिशन के बाद एक्सपोर्ट होती है तो 19 यूरो पर केजी होती है। तो इस तरह से हम जैसे पहले बात करते थे कि हम कॉटन बेल भी एक्सपोर्ट करते हैं और कॉटन बेल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से वो उसको रेडीमेड गारमेंट की सूरत में एक्सपोर्ट करते हैं और वो $2,700 में एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट में आप क्या समझते हैं, कहाँ तक सच्चाई है और ये क्यों ये चीज़ शुरुआत हुई? तो ये क्या ये सच है कि 35 पैसे किलो आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं जी, ये बिल्कुल एक मिस रिपोर्टिंग है। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है कि जिसने पिछले 2-5 सालों में स्पेशली रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है आपके मीडिया इंडस्ट्री को। स्पेशली अगर आप पुराने दौरों में जाएं तो सिर्फ PTV हुआ करता था, उसके बाद वी सॉ टाइम व्हेन देयर वर सो मेनी चैनल्स। बिल्कुल। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि वो जो बिजनेस का टर्नओवर है वो चैनल्स का भी वो नहीं रहा जो एक ज़माने में हुआ करता था। तो वाई द रीज़न इज़ दैट सोशल मीडिया हैज़ टेकन ओवर। एंड अब इसमें प्रॉब्लम ये है, जहाँ बहुत अच्छी बातें भी हैं वहाँ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग एंड विदाउट एनी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन नहीं होता, वेरिफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल। और जिसके जो मर्जी में आता है वो पोस्ट कर देता है और कोशिश करता है कि वो वायरल हो जाए। तो वायरल इज द कीवर्ड, और वायरल होता है और लोग वायरल करते भी हैं, बस इधर से आए इधर फॉरवर्ड किए। तो ये मुझे तो यानी जितने जानने वाले हैं और जितने जानने वाले नहीं हैं वो भी हर तरफ से ये मैसेजेस आए और सबको मैंने बारी बारी पहले तो कहा कि जी ये टोटल मिस रिपोर्टिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है कि 35 पैसे किलो या 50 पैसे किलो इंडिया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। तो मैंने इसके ऊपर एक फिर
क्लैरिफिकेशन लिखा, तो उसको क्यों नहीं वायरल किया? और उसको भी वायरल किया अभी वो रिसेंटली लिखा है, 2-4-5 दिन पहले। तो ऐसी तो बहुत चीज़ें आती हैं ना, अब आप हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें तो वो तो फिर हम लोग यही करते रहेंगे बैठ के, काम काज भी तो करना होता है ना। तो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, देर इज़ नो सदाकत के 35 पैसे जाता है। मैं जब पंजाब में अपनी माइनों से या खरीद के जब हब लाता हूँ तो मेरा कॉस्ट 8 से 9 रुपये केजी होता है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं तो 8-9 रुपये किलो खरीद रहा हूँ और इंडिया में बैठा हुआ कोई शख्स 35 पैसे का खरीद रहा है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब इसमें एक बात और जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जनरेट कहाँ से हुआ? ये कहीं कोई सदाकत होगी, कहीं कोई क्लू होगा। तो जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जी, मकान के, दुकान के, फैक्ट्री के, जो लीज डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं या ज़मीन के कागजात कहलाते हैं, तो इसी तरीके से पाकिस्तान के भी कागजात हैं। जो ब्रिटिश एम्पायर जब पाकिस्तान छोड़ के वापस गई तो उन्होंने पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट बनाए और वो डॉक्यूमेंट मोहम्मद अली जिन्ना, कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले किया और उस टाइम के जो उनके साथी थे, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ICI कंपनी जो सोडा ऐश बनाती है एट ख्योड़ा, उधर जब वो सॉल्ट की माइनिंग, आप कहीं भी दुनिया में सॉल्ट की माइनिंग करते हैं तो यू हैव टू गो अंडरग्राउंड। तो जब आप अंडरग्राउंड जाते हैं, एक 10 मीटर कहीं कहीं 50 मीटर कहीं 100 मीटर में पानी निकल आता है जी। तो आप नमक को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नमक की माइनिंग करते हैं और साथ में पानी भी निकलता है उसके, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द माइंस इन द वर्ल्ड में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और ख्योड़ा में जब वो माइनिंग करते हैं सोडाश बनाने के लिए, सॉलिड सॉल्ट निकालते हैं, तो कुछ पोर्शन ब्राइन का भी निकलता है। वो पानी जो होता है वो सुपर सैचुरेटेड होता है विद सॉल्ट, जो कि ब्राइन कहलाता है। तो उस ब्राइन को भी ICI कंपनी यूज़ करती है। तो उस कागज़ में जो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये सबके लिए एक न्यूज़ है। आपके जरिए ये बात अगर नज़र तो वो उस डॉक्यूमेंट में ब्रिटिश एम्पायर ने लिखा था कि जी प्लीज़ अलाउ ICI कंपनी टू कंटिन्यू यूजिंग दिस ब्राइन फॉर देयर सोडा ऐश प्लांट। तो ये एक उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, नमक का जिक्र है पाकिस्तान के कागजात में भी, बहुत सी बात है। तो वो अगर आप ICI सोडा ऐश का आज का वो चेक करेंगे सॉल्ट यूजेज, तो वो सॉल्ट अगर 2000 टन रोज़ यूज़ करते हैं तो ब्राइन 50-60-100 टन से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो ब्राइन यूज़ करना पड़ता है वरना वो फ्लड हो जाएगा, पानी निकलता रहता है, कुदरती अमल है। इस्माइल साहब आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्ट की पाकिस्तान में हमने बड़ा सुना है ख्योड़ा के बारे में कि दुनिया की अमंग टॉप प्रोड्यूसर्स, पाकिस्तान में नमक की पैदावार कितनी है? और इसी सवाल के आगे मैं जोड़ना चाहता हूँ, इसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी है, टोटल लोकल कंजम्पशन कितनी है और टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी है पाकिस्तान से, तो कोई एक रफ फिगर। देखें, जो दुनिया का पहले आप समझ लें कि दुनिया में 320 मिलियन टन नमक का कारोबार होता है हर साल। 320 मिलियन टन दुनिया में जी। अब इस 320 मिलियन टन में जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है, डैट इज़ चाइना विद 65-70 मिलियन टन। अच्छा, अब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी चाइना है, वो 50-55 मिलियन टन बनाता है। ये वैरी करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सॉल्ट का प्रोडक्शन। जिस साल बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं उस साल थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिस साल बारिशें कम होती हैं उस साल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से फिर मेक्सिको में बनता है तकरीबन 12 मिलियन टन, इंडिया बनाता है तकरीबन 17-18 मिलियन टन, फिर नीदरलैंड्स वर्ल्ड का नंबर वन एक्सपोर्टर है जो कि 30 मिलियन टन के करीब बनाता है, और वहाँ पे वो सारा का सारा बनाते हैं सॉल्यूशन माइनिंग से। तो ये पूरे वर्ल्ड का ट्रेड 320 मिलियन टन है, जिसमें पाकिस्तान मुश्किल से 2.5-3 मिलियन टन करता है।
और जब आप टेबल देखते हैं वर्ल्ड सॉल्ट प्रोडक्शन का, तो नंबर वन इज लेट सपोज नीदरलैंड्स, नंबर वन इज चाइना, नीदरलैंड्स, इंडिया, कनाडा, यूएस, तो उसमें फिर एक नीचे कॉलम आता है जिसमें लिखा होता है अदर्स, तो पाकिस्तान का जिक्र अनफॉर्चुनेटली अदर्स में आता है, जो कि सब मिला के कोई एक मिलियन कर रहा है, कोई दो मिलियन कर रहा है, कोई तीन मिलियन कर रहा है, और मेरा इंशाल्लाह मिशन ये है कि हम अदर्स से पाकिस्तान को बाहर निकाल के और फर्स्ट थ्री में लेके आए, जिस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह एक बलूचिस्तान में प्रोजेक्ट पे, जो कि स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट विल प्रोड्यूस 24 मिलियन टन्स इंशाल्लाह, एंड व्हाई नॉट, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज़ ऑल द रिसोर्सेज। सोलर सॉल्ट बनाने में आपको गर्म हवा और सूरज चाहिए होता है और ज़मीन चाहिए होता है, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को प्लेंटी दिया है, कोई कमी नहीं है इन तीनों रिसोर्सेज की, और ये वाहिद इंडस्ट्री जिसमें ना आपको बिजली चाहिए, ना गैस चाहिए, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, और तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर का किसी तरह से भी हुकूमत से शिकायत नहीं कर सकता। मैं तो बिल्कुल शिकायत नहीं करता हूँ, मैं तो हुकूमत के साथ काम करता हूँ इंशाल्लाह। शिकायत करने का हमारा वो एज नहीं है, बिकॉज ये अगर पाकिस्तान स्लो ग्रो कर रहा है तो इसमें मैं अपना फॉल्ट समझता हूँ, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, बिकॉज वी आर द वंस हु हैव टू गाइड द गवर्नमेंट एंड वी आर द वंस हु हैव टू टेक द इनिशिएटिव। गवर्नमेंट का तो काम गवर्नेंस करना है, तो उनको हम ज़बरदस्ती कसूरवार ठहराएं ये अच्छी बात नहीं है। और पाकिस्तान जब इंशाल्लाह ग्लोबल मैप में आएगा तो ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको 1.5 से 1.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जनरेट करके देगी, और वो भी 2.5 से 3 साल के अंदर, बिकॉज ये अर्थ वर्क करना होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, और एक मैनेजमेंट होती है सॉल्ट वर्क्स की, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इंडिजिनस है, हमें कहीं से कोई मदद नहीं चाहिए इसमें पाकिस्तान को। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो रिज़र्व्स हैं हमारे पास, ये खेवड़ा आम लफ्ज़ों में लोग समझते हैं, लेकिन ये शुरू खेवड़ा से होता है और ये एंड कोहाट पे होता है, ये 300+ किलोमीटर का पूरा बेल्ट है, जो कि बिलियंस ऑफ टन्स है हमारे पास, और ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स या अ फ्यू मिलियन ईयर्स तक अगर पूरा पाकिस्तान नमक निकालने में लग जाए तो ये इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होता, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरनेशनल प्राइसिंग है सॉल्ट की, डैट इज़ वेरी लो। सॉल्ट इज़ अ बल्क हाई प्रोडक्शन इंडस्ट्री, इसमें छोटी प्रोडक्शन में यू डू नॉट रिमेन कॉस्ट इफेक्टिव, तो ये सॉल्ट का इंटरनेशनल ट्रेड भी है जो 320 मिलियन टन का है, ये कंटेनर्स में नहीं होता, ये होता अच्छा। है ब्रेक वेसल, ब्रेक बल्क जहाज़ों में ये, और बल्क कैरियर में भी अगर आप 30 या 50 हज़ार टन का जहाज़ लोड करें तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता, आपको मेगा साइज शिप्स चाहिए, जो कि 1,00,000 टन 80,000 टन प्लस क्वांटिटी उठाने वाले जहाज़ होते हैं, उनमें सॉल्ट का ट्रेड होता है। तो जो सबसे बुनियादी बात है कि हमारे पास इतना बड़ा रिज़र्व है इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट, वो हम क्यों नहीं बेच सकते दुनिया वालों को, क्यों नहीं, व्हाई आर्ट वी नंबर वन? द रीज़न बीइंग के प्राइसेस इतने कम हैं, इंटरनेशनल जो बल्क प्राइसेस हैं वो 14 से 18 डॉलर, इंडिया बल्कि चूँकि इंडिया की क्वालिटी बहुत ही थर्ड क्लास होती है तो 12 डॉलर में बेचते हैं, तो ये इंटरनेशनल प्राइस है। अब पंजाब से सिर्फ कराची पोर्ट तक पहुंचाने का किराया 2,000 रुपये टन है, तो ये तो जो इंटरनेशनल प्राइस है सॉल्ट का, उतना तो आपका सिर्फ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो इसी वजह से इट इज़ नॉट वायबल कि ये बल्क मैन्युफैक्चरिंग हो वहाँ पे और ये हम ग्लोबल मार्केट्स को फ्लड कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या करना चाहिए? इसका ऑल्टरनेट ये है कि जैसे ICI का सोडा ऐश प्लांट है, वहाँ पे 3 केमिकल इंडस्ट्री और भी है उसी विसिनिटी में, एक तो ओलंपिया है जो सोडा ऐश बनाती है, और सितारा है जो कॉस्टिक सोडा बनाती है, थोड़ा दूर है बट एरिया वही है,
اور دوسرا اتحاد کیمیکلز ہیں اور چھوٹے موٹے اور بھی بہت سارے ہیں. تو پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپارچونیٹی ہے کہ وہاں پہ ہم کیمیکل انڈسٹری جن کا بنیادی را مٹیریل سالٹ ہے اس کو پروموٹ کریں. اور ابھی پائپ لائن میں ایک دو اور جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں, کچھ مشورہ لیتے ہیں, ان کو میں مشورہ دیتا ہوں, تو وہ بھی انشاءاللہ پائپ لائن میں آ رہے ہیں. اور وہ بھی ایک دو انڈسٹری آپ اور دیکھیں گے انشاءاللہ ویری نیئر فیوچر کہ وہ بھی پنجاب میں لگیں گی. بائے کیوں لگیں گی پنجاب میں؟ اس لیے کہ وہاں پہ را مٹیریل کا سورس موجود ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا, اگر پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں ایک سندھ الکلیز تھا جو گورنمنٹ چلاتی تھی, سوڈا ایچ بناتی تھی, وہ چونکہ گورنمنٹ رن تھی تو وہ بند ہو گئی. اگر وہ کوئی پرائیویٹلی اونڈ ہوتی تو وہ فلرش کرتی اور وہ آج ایکسپینشنز میں ہوتی. تو راک سالٹ انشاءاللہ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس رہے گا, کہیں نہیں جا رہا. اس کا یوزج ہوگا انٹو ویلیو ایڈڈ کیمیکل انڈسٹری, دیٹ از دی وے فارورڈ. ہم نمک, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ 1984 میں میں نے شروع کیا تھا اور 86 میں اس کا نام میں نے رکھا تھا ہمالین سالٹ, میں نے نام رکھا تھا. اور آج اللہ کا کرم ہے, یہ جتنے آپ کے سوشل میڈیا میں نگیٹو اور پازیٹیو جیسے بھی خبریں آتی ہیں تو مجھے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے کہ ہمالین سالٹ آج ٹاک آف دی ماسز ہو گیا ہے. اٹ از نو مور ٹاک آف دی ٹاؤن, اٹس ٹاک آف دی ماسز, بیکاز ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اینڈ آئی فیل ویری ہیپی کہ یار 1986 میں ایک نام رکھا تھا میں نے اور میرے جرمن پارٹنرز نے مل کے. اور وہ پہلے صوفیا نام رکھنا چاہ رہا تھا, پھر میں نے ضد کر کے میں نے کہا نہیں, صوفیا ایک خاتون کا نام ہے, اچھا نہیں لگتا. راک سالٹ تو اس زمانے میں گوگل شوگل تو ہوتا نہیں تھا, تو انسائیکلوپیڈیا میں میں نے دیکھا کہ یار سالٹ رینج کے قریب ترین تو سالٹ رینج جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمالیہ شروع ہوتا ہے. تو وی کال اٹ کہ یہ اٹ از ایٹ دی فٹ ہلز آف ہمالیہ. تو دیٹس وائی یہ ہمالین میں نے نام رکھا تھا 1986-87 میں. سر اسی میں میرا وہ جواب مجھے ابھی ملا نہیں کہ ٹوٹل ایکسپورٹس کا پاکستان سے. جی ٹوٹل ایکسپورٹ پاکستان سے تقریباً 2 لاکھ سے 3 لاکھ ٹن میں ویری کرتا ہے. اس میں صرف راک سالٹ نہیں ہوتا, ہم بہت سارا سولر سالٹ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم بہت سارا اپ گریڈ کر کے سولر سالٹ بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم فارماسیوٹیکل سالٹ بہت زیادہ آپ کا الحمدللہ ملیشیا, انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں ہمارا ہی فارماسیوٹیکل سالٹ جاتا ہے, جو کہ وہاں کے ڈرپس میں, او آر ایس میں, وہاں جتنے ڈائلسز ہوتے ہیں وہ سوڈیم کلورائڈ سولوشن اس میں لگتا ہے. تو جتنے ڈائلسز ہوتے ہیں اس ریجن میں الحمدللہ سارا نمک پاکستان کا جاتا ہے, ہب سالٹ کا نمک ہوتا ہے اس میں. کیا ڈیسٹینیشنز ہیں آپ کی؟ سر فار ایسٹ ہے, پورا دنیا ہے. مجھے شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا اسرائیل کے علاوہ, اور اسرائیل کو بھی ہم ڈائریکٹلی تو نہیں دیتے لیکن انڈائریکٹلی مجھے پتہ ہے کہ وہ ہمارے مختلف کسٹمرز سے خریدتے ہیں وہ لوگ. اور اسرائیل میں بھی جو بہت ساری تصویریں آپ دیکھیں گے کہ پروڈکٹ آف اسرائیل لکھا ہوا ہے یا پروڈکٹ آف پاکستان پیکٹ ان اسرائیل لکھا ہوا ہے, وہ بھی نمک یہیں سے جاتا ہے. اور نمک ہم لوگ سستا بالکل بھی نہیں بیچتے, اس کو پروسیس کرتے ہیں, بڑے محنت سے پروسیس کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ راک سالٹ کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ راک سالٹ کی مائننگ ہوتی ہے بلاسٹ مائننگ کے ساتھ. تو جب بلاسٹ مائننگ ہوتی ہے تو بلاسٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں پورا ڈائنامائٹ ہوتا ہے اور اس میں لیڈ بھی ہوتا ہے شامل, اینڈ لیڈ از ویری ویری ٹاکسک. تو ہمارے واحد پلانٹ ہے پاکستان میں جس میں یہ کمپلیٹلی واش آؤٹ کرتے ہیں ہم لوگ, اس کو لیڈ کنٹامنیشن 0-0 پہ لے کے جاتے ہیں, اس میں بارود کے ٹریسز تک ختم کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو پروسیس کرتے ہیں, اس کو ہائیجینکلی وہ پیک ہوتا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ پورا اکوپمنٹ ہے, پلانٹ ہے, کنٹینیوس فیسلٹی ہے, اور پھر یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے, یہ ایسے را فارم میں بالکل بھی ایکسپورٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر, ہم آپ سے ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. ناظرین آپ گفتگو سن رہے ہیں جناب اسماعیل ستار صاحب کی, نائب صدر وفاق ونائے تجارت و صنعت کے. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, آپ گفتگو سن رہے ہیں جناب اسماعیل ستار صاحب کی, نائب صدر وفاق ونائے تجارت و صنعت کے. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا.
اسماعیل صاحب پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے چلے نئی ڈیسٹینیشنز کا بتایا اور ساری چیزیں بتائیں کہ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک دیکھیں جنرل پبلک جو ہے نا ویلیو ایڈیشن کا مطلب سمجھتی ہے لیکن وہ دوسرے تمام سیکٹرز میں کہ ہاں جی کاٹن ایکسپورٹ نہیں کرنا چاہیے اس کا دھاگا بنانا چاہیے دھاگے کے کپڑے بنانا چاہیے تو وہ اس کی ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹ ہو گئی لیکن نمک میں ویلیو ایڈیشن کیا ہوتا ہے نمک تو نمک ہی ہے نا اب آپ نمک کو کسی سالن پکا کر تو ایکسپورٹ کرتے نہیں ہیں آپ تو سالٹ پروڈکٹ میں ویلیو ایڈیشن کیا چیز ہوتی ہے دیکھیے سالٹ پروڈکٹ میں ویلیو ایڈیشن ایسے ہوتی ہے کہ ایک تو را فارم میں ایک لمپ ہوتا ہے ڈھلا جس کو آپ عام زبان میں کہتے ہیں اس میں میں نے جیسے بتایا کہ باروت لگا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم واش کرتے ہیں اس کو واش کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے ان ڈفرینٹ میش سائزز اور اس کے بعد اس کو دوبارہ دھویا جاتا ہے اچھا دوبارہ دھونے کے بعد اس کو پھر سینٹریفیوج کیا جاتا ہے پھر اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے پھر اس کو مختلف میش سائزز میں سیگریگیٹ کیا جاتا ہے تو اگر آپ بہت سارے گرائنڈرز دیکھیں گے تو وہ کور سائز ہوتا ہے آپ فائن سالٹ دیکھیں گے وہ تھوڑا سا اس سے باریک ہوتا ہے پھر کچھ سپر فائن گرینز ہوتے ہیں یہ تو اس کی کوالٹیز ہو گئیں ان ٹرمز آف ڈفرینٹ گرین سائزز دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اٹ ہیز ٹو بی واشڈ اٹ ہیز ٹو بی کلین تو ان سب چیزوں پہ کاسٹ آتا ہے اور آپ اس کا شیپ چینج کر دیتے ہیں دی ویلیو ایڈیشن کا جو سمپل ڈیفینیشن ہے دیٹ از ٹو چینج دی فیس آف دی پروڈکٹ دی فیس آف دی پروڈکٹ ول چینج سو ول دی ویلیو آف دی پروڈکٹ بیکاز ایک را فارم کے پروڈکٹ میں اور ایک پروسیس فارم کے پروڈکٹ میں اور اس پورے پروسیس میں پھر آپ کو فیکٹرز آف پروڈکشن لگانے پڑتے ہیں بجلی لگانا پڑتا ہے گیس لگانا پڑتا ہے ہیومن ریسورس لگانا پڑتا ہے تو جب یہ ساری چیزیں لگتی ہیں تو آبویسلی اس کا ویلیو ایڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ویلیو ایڈیشن یہ تو ایک ہو گیا ہملائن راک سالٹ کی میں بات آپ کو بتا رہا تھا اس کے علاوہ اب جب ہم فارماسیوٹیکل گریڈ سالٹ بناتے ہیں تو وہ بہت مہنگا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں سالٹ کو ڈیزالو کر کے اس میں سے جتنی امپیورٹیز ہیں اس کو ریموو کرتے ہیں تھرو ویریس پروسیسز اور فارماسیوٹیکل میں آپ کیمیکل بھی استعمال نہیں کر سکتے اٹ ہیز ٹو بی کیمیکل فری تو وہ سارے امپیورٹیز کو ریموو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو ریکرسٹلائز کیا جاتا ہے سالٹ تو وہ 99.99% پیور ہوتا ہے جو کہ آپ کے رگوں پہ دوڑتا ہے اینڈ اٹ ہیز ٹو بی سپر پیور آگے بڑھتے ہیں سر جی سر اب یہ تو تھی چلیں اب تک آپ کی اپنی ٹریڈ کے بارے میں بات چیت لیکن آپ کی شخصیت صرف ایک اپنی ٹریڈ تک محدود نہیں ہے آپ پورے وفاق کے ٹریڈ اپیکس باڈی کے نائب صدر ہیں پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہم بڑا دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی چیز کے پیچھے محنت نہیں کرتے بنی بنائی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم نے کوئی اپنی برانڈنگ کرنے پہ توجہ نہیں دی ہم فرینچائز نام کے پیچھے جاتے ہیں ہماری اپنی چیز ہے نام دوسرے کا رکھ کے ہم خود استعمال کرتے ہیں اور اس نام استعمال کرنے کے پیسے ہم دنیا کو دیتے ہیں چیز ہماری ہے دنیا کے بہترین برانڈز نکالیں بناتے ہمیں را مٹیریل ہمارا ہے لیبر ہمارا ہے تو کیا ہم اپنے را مٹیریل سے اپنا برانڈنگ نہیں ڈیولپ کر سکتے کیا اپنی پروڈکٹ نہیں بنا سکتے ہم اپنی مرغی کھاتے ہیں پیسے دوسرے کو دیتے ہیں اپنا پانی پیتے ہیں پیسے دوسرے کو دیتے ہیں اپنا بن کا برگر بنا کے کھاتے ہیں پیسے دوسروں کو دیتے ہیں تو کون سی چیز ہے پانی تو بنیادی چیز ہے ہماری سر لیکن برانڈ دوسرے کا ہے اپنی ہوٹلوں میں رہتے ہیں پیسے دوسروں کو دیتے ہیں تو یعنی میں اپنے گھر میں کام کروں اور پیسے آپ کو دوں اس کے ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا تو بحیثیت ہے بزنس کمیٹی کے لیڈر کے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی برانڈنگ کو زیادہ پروموٹ کریں بالکل یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے سعودی عربیہ کے پاس تیل پتہ نہیں کب سے تھا لیکن ڈسکور ارلی 70s میں ہوا تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو بچا کے رکھنے کا اگر شاید 30s اور 20s میں تیل نکل آتا تو شاید برٹش امپائر سعودی عرب کو بھی نہیں چھوڑتی اس زمانے میں تو وی ہیو ٹو بلیو ان اللہ تعالیٰ اور اب پاکستان میں میں وہ دور دیکھ رہا ہوں انڈر دی نیو لیڈرشپ
اینڈ دی وائبرنٹ لیڈرشپ، یہ جو پرائم منسٹر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ دل سے کام کرتا ہے، دل کا سچا ہے، اینڈ از ویری ویری پرو پاکستانی، وانٹس ٹو ڈو اے لاٹ آف تھنگز. بالکل ہیل گیٹ گڈ پیپل آلسو ان شاء اللہ ود ٹائم. اور دیکھیے، جب 9/11 ہوا تو ایک ریسیشن آیا دنیا میں، یہاں پہ اتنے سارے ٹیکسٹائل والے بےچارے لٹرلی روڈ پہ آ گئے. یہ ہوا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. بالکل. اس کے بعد بہت اچھی چیز ایک ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ہمارے لوکل کچھ کمپنیز نے یہ ریئلائز کیا کہ ہماری انڈیجنس مارکیٹ ہے، 230 million پیپل ہیں یار، یہاں پہ 23 crore لوگ رہتے ہیں. بالکل. تو وائی ناٹ یوٹیلائز دیٹ مارکیٹ آلسو. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ برانڈس پاپ اپ کیے، اور یہ ان میں زور آیا آفٹر دیٹ ریسیشن، کیونکہ پہلے جی دو تین برانڈز تو ہمارے دو تین برانڈز اگر آپ کہیں تو میں نام لے لوں. بالکل. تو وہ ماشاءاللہ سے اور بہت اچھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں تو ہر سال ایک دو ان کے نئے اسٹورز کھلتے ہیں. بالکل. اینڈ دے آر ڈوئنگ ونڈرفل، الحمدللہ. اینڈ دے آر مائی فرینڈز، آئی نو کہ دے آر ویری ہیپی ود دی پاکستانی بزنس. اور یہ جو ابھی زیرو ریٹنگ کا چکر ہے، یہ بھی اس سے تھوڑا لنک کرتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یار تم لوگ لوکل بزنس بہت کر رہے ہو اور وہ نہیں لے رہے ہو، تو یہ خیر الگ سائڈ پہ اسٹوری چلے جائے گی. تو جو برانڈنگ ہے وہ جب چوٹ لگا ہم لوگوں کو تو ہم نے اختیار کر لیا. اور پاکستان کا جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگ لکیر کے فقیر ہیں، فالو کرتے ہیں چیزوں کو، تو پاکستانی بزنس کمیونٹی میں دو مائنڈ سیٹ ہیں. ون از دی ٹریڈرز مائنڈ سیٹ، جس پہ انفارچونیٹلی پچھلے 30-40 سال سے ہم لگ رہے ہیں، اور ہم نے ٹریڈرز مائنڈ سیٹ کو فالو کیا ہے. اور ایک مائنڈ سیٹ ہے جو مینوفیکچررز مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں، مینوفیکچرر کا مائنڈ سیٹ اور ٹریڈر کا مائنڈ سیٹ کبھی سملر نہیں ہو سکتا. ٹریڈنگ مینٹیلیٹی ایک ہے، یہ ایک مینٹیلیٹی کہلاتی ہے. ٹریڈرز مینٹیلیٹی اس کے آپ نے آج بزنس کیا، شام کو آپ کے جیب میں نفع آ گیا، آپ نے پارٹی کر لی، اللہ اللہ خیر صلاح. بالکل صحیح بات کی. مینوفیکچررز مینٹیلیٹی از ویری ویری لانگ ٹرم. آپ کو پتا ہے جاپانی کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ 500 سال کی پلاننگ کرتا ہے، وہ 5 سال 10 سال 20 سال کی پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ وہ مینوفیکچررز مائنڈ سیٹ کے فالوورز ہیں وہ. اور پاکستان کو مینوفیکچرنگ مائنڈ سیٹ کے لوگ چاہیے. مینوفیکچرنگ مائنڈ سیٹ جس کا ہوگا وہ برانڈ میں انویسٹ کرے گا، اور برانڈ کو منیمم 25 سال لگتا ہے پیسہ کمانے میں. برانڈ ڈے ایئر ون، ایئر ٹو، ایئر فائیو میں 100% متفق ہوں، لیکن یہی کوشش ہے ہماری. پاکستان بن کر 70 سال ہو گئے، اگر ہم پچھلے 30 سال سے سن رہے ہیں کہ 20 سال لگتے ہیں، 25 سال لگتے ہیں، ارے بابا 30 سال پہلے کر چکے ہوتے تو آج تک ہمارے بھی برانڈ دنیا بھر. سر میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں، اور مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ بھی آپ کو گوش گزار کروں، کہ میرے حساب سے 2019 میں ابھی ہم نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ان 1979، بیکاز وی اسٹاپڈ گروئنگ ان 1979، ارلی 80s میں تھوڑا بہت گروتھ ہوا، اس کے بعد ہمارا گروتھ رک گیا. تو ابھی ری اسٹارٹ ہوا ہے پاکستان، جس کو میں ری بوٹ کہتا ہوں کمپیوٹر کے لینگویج میں، لیکن بہت لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یار بوٹ کا لفظ نہیں استعمال کرو. تو ری بوٹ کیا ہے پاکستان کو، اور انشاءاللہ اگر جیسے کامرس منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ وی مسٹ گو فار مینوفیکچرنگ. دیکھیں، اف یو وانٹ ٹو ایکسپورٹ، واٹ ول یو ایکسپورٹ اف یو ہیو نتھنگ آف یور ان دی مینوفیکچرنگ سیکٹر؟ اب مینوفیکچرنگ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ پاکستان کے پاس کیا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. الحمدللہ. پاکستان کو سیریس، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے لیے. میرا ایمان ہے کہ پاکستان ول کم آؤٹ آف دس کرائسس تھرو دی منرل ریسورسز آف بلوچستان. دیٹ از مائی بلیف، اینڈ آئی نو دیٹ وی ول بی رننگ آفٹر ٹیکسٹائل. تو گھر ہے نا بلوچستان. میں تو بلوچستان کا بچہ ہوں، سمجھ لیں. بالکل. تو جو ایکسپورٹ، ایک آپ کو بھی پتا ہے کہ $1 billion کا ایکسپورٹ اگر آپ نے ٹیکسٹائل سے بڑھانا ہے تو یو ہیو ٹو امپورٹ. بالکل.
यू कैन नॉट रिलाई ऑन इंडिजिनस रिसोर्सेज पर और नहीं मशीनरी के अलावा मशीनरी इज वन टाइम बट आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए ना वो प्योर कॉटन का तो जमाना चला गया अभी यू नीड मिक्स कॉटन एंड अपग्रेडेड कॉटन कंबाइंड विद पॉलिएस्टर एंड अदर थिंग्स तो मिनरल रिसोर्सेज इज वन एरिया वेयर यू हैव ओनली इंडिजिनस रिसोर्सेज इसमें हम कर ही रहे हैं और ये मैं कर रहा हूँ एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जी आप के तो उसके भी अहदेदार हैं मैं उसके इकोनॉमिक काउंसिल का चेयरमैन हूँ और वो बड़ा वाइब्रेंट इदारा है और वो इदारा मैन्युफैक्चरर्स का इदारा है बिकॉज देयर आर टू एपेक्स बॉडीज वन इज FPCCI जो कि मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स और सारे उसमें कारोबारी एरिया के लोग होते हैं और जो एम्प्लॉयज फेडरेशन है डेट इज बेसिकली द मैन्युफैक्चरर्स एपेक्स बॉडी So there is a tremendous activity going on at our economic council, जिसमें हम कर ये रहे हैं कि हम 42 minerals हैं बलूचिस्तान के पास उसमें से एक या दो पे कुछ private लोग काम कर रहे हैं वो भी quantum कोई बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम काम ये कर रहे हैं कि हम चाइना जर्मनी और नीदरलैंड से हेल्प लेके उनके एक्सपर्ट्स लेके और अपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस इकोनॉमिक साइड के जो लोग हैं और माइन ओनर्स का हम वेरियस केमिकल्स में फोकस ग्रुप बना रहे हैं कमिटीज़ बना रहे हैं आप समझें और उसमें व्हाट वी विल डू इज वी विल डिज़ाइन द प्रोसेस बिकॉज व्हाई मुझे पता है कि पाकिस्तान में कॉपी कैट मैंटेलिटी बहुत अच्छे से चलती है लेकिन व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन और थिंकिंग और क्रिएटिंग समथिंग ऑफ आउट ऑफ योर ओन माइंड इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस नहीं हैं इससे आगे हम सर बढ़ेंगे आपने ये सारी चीज़ें बताई और आई टोटली एग्री विद यू ऑल पॉइंट्स किस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं सर आपने ये देखिए मिनरल्स की बात की ये एक वो पोटेंशियल है जो अभी तक हिडन है ये मैं कहता हूँ कि ये अकेले मिनरल का ही सेक्टर ऐसे है जो हमारे बहुत सारे सेक्टर्स पर हावी हो सकता है और मिनरल तो ऐसी चीज़ है कि इसके में तो फिर वैल्यू एडिशन के बाद तो स्काई इज द लिमिट तो और मिनरल्स के अलावा भी अगर हम हट के बात करें ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सर हमारी तो बल्कि पिछले सालों में देखा जाए तो कम हुई है एक्सपोर्ट 24 बिलियन को टच कर गई थी फिर 19 तक पहुंच गई थी लेकिन आपको अराउंड 22 पर चल रही है देखिए इसमें एक्सपोर्ट्स को आप ऐसा समझें कि आपका एक दुकान है और उसमें ग्राहक आएगा तो एक्सपोर्ट होगा लेकिन मेरा ये कहना है कि दुकान जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है तो जब दुकान होगी तो ग्राहक आएगा ना जब दुकान ही नहीं होगी तो ग्राहक कहाँ से आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वर्क सीरियसली ऑन वॉर फुटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा ऑन वॉर फुटिंग हमें कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना होगा हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना होगा तो हमें ना वॉर फुटिंग पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाना होगा क्योंकि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा टू सेल टू एक्सपोर्ट तो पाकिस्तान के पास मिनरल सेक्टर इज एन एरिया उसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि चाइना के पास अब अपना मिनरल्स उनके ख़त्म हो गए उन्होंने अपने रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर दिए हैं हम रॉ फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से चाइना भी जा रहा है इंडिया भी जा रहा है मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में भी जा रहा है तो जब इसको हम इंडिजिनसली वैल्यू ऐड करेंगे तो ये 8 से 10 गुना ज़्यादा कीमत आपको फेच करेगा प्लस जब आप ये कर लेंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बहुत अच्छा काम ये किया है कि जिस तरीके से अभी फेडरल पे हम देख रहे हैं ना एक पॉजिटिव चेंज इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव चेंज है बड़े अच्छे लोग और मैनुफैक्चरिंग को समझने वाले लोग वहाँ पर हैं स्पेशली हमारे चीफ मिनिस्टर जाम कमाल साहब तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव आइडेंटिफाइड दोज 42 मिनरल्स और उसमें क्लस्टर हमने फॉर्म कर दिए 6 और वहाँ पे हमने 2-2, 3-3 हज़ार एकड़ आइडेंटिफाई करके ईयर मार्क कर दिए फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द फ्यूचर ताकि वहाँ पे हम इंडस्ट्री के क्लस्टर्स बनाएं और उन्हीं इंडस्ट्री के क्लस्टर्स बनाएं जो कि उस विसिनिटी में जो जो मिनरल्स हैं तो ये आपको फेच करेगा उसके अलावा आपका आईटी सेक्टर है जो कि एक हाईली अंडर यूटिलाइज सेक्टर है बहुत अंडर यूटिलाइज और इसमें एक उनको जेन्युइन प्रॉब्लम है विच इज़ द पेमेंट गेटवे तो वंस दैट इज़ सॉर्टेड आउट
आई सी ए लॉट ऑफ ग्रोथ हैपनिंग ओवर देयर, और चीज़ें मुझे सारी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं पाकिस्तान में, मुझे कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। आप देखिएगा इंशाल्लाह विद द टाइम एंड द लेवल ऑफ हार्ड वर्क पाकिस्तान विल कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। सर अब ये जैसे आपने चीज़ें बताई, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, ये सारी चीज़ें आप अच्छी देख रहे हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि इसमें गवर्नमेंट के एंडेवर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये ट्रेड अपेक्स बॉडी का क्या रोल है, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए, कि क्या आप लोग काम सही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को सही तरह से सपोर्ट मिल रही है आपकी? इसलिए कि देखिए गवर्नमेंट तो गवर्नेंस काम है, उनका काम करना तो प्राइवेट सेक्टर ने है ना सर। देखिए मैंने आपको बताया कि मैं बिजनेस कम्युनिटी को सबसे बड़ा कसूरवार ठहराता हूँ, क्योंकि हमें चांसेस लेने हैं, हमें क्रीज से बाहर निकल के हमें छक्का लगाना है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है टू प्रोवाइड यू अ गुड फील्ड विद अ गुड विकेट, दैट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, इट इज द जॉब ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, द जॉब ऑफ द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू इनोवेट थिंग्स। देखें पाकिस्तान की इस पॉपुलेशन को हम ट्रेडिंग नेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ पीपल, जो क्वालिटी ऑफ एचआर है वो ट्रेडिंग के लिए फिट नहीं है, और हम क्यों ट्रेडिंग नेशन बने, क्या क्या चीज़ की कमी है हमारे पास जो हम एक ट्रेडिंग नेशन में कन्वर्ट हो जाएं? अल्लाह ताला ने आपको पोर्ट्स दिए हैं, अल्लाह ताला ने आपको मिनरल वेल्थ दिया है, अल्लाह ताला ने आपको मेहनती पॉपुलेशन दिया है जी, व्हाई शुड वी गो फॉर अ ट्रेडिंग नेशन, व्हाई नॉट मैन्युफैक्चरिंग नेशन? मैन्युफैक्चरिंग, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने गवर्नमेंट के मुंह से ये बात सुनी है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। मैं 20 साल से ये काम में इन्वॉल्व हूँ और मैं पहली दफ़ा रजाक दाऊद साहब के जबान से मुझे लगता है कि मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इतना खुश होता हूँ। तो जल्दी पूछती सर, कारोबारी लोग हैं तो वो लोग अगर ये बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो दिस इज पॉजिटिव। अब देखें FBR में शबर जैदी साहब आ गए, दिस इज पॉजिटिव जी, बिल्कुल। तो चीजें ऑल्दो स्लो हो रही हैं, बट इतना बड़ा हमारा निज़ाम है जो कि बिगड़ा हुआ निज़ाम है, उससे बाहर निकलने में थोड़ा जेन्युइन टाइम लगेगा। अल्लाह ताला खान साहब को हिम्मत दे और उनकी टीम को मजबूत करे, और उनको पता है कि वंस वी आर आउट ऑफ द क्राइसिस, पाकिस्तान ग्रोथ में स्लो नहीं आप देखेंगे पाकिस्तान को, इट विल ग्रो वेरी फास्ट। ठीक है, आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ। बहुत सारे सेक्टर्स से आवाज़ें उठ रही हैं बजट के ख़िलाफ़ भी। अब हालिया अगर देखा जाए तो सियासी अगर हम बात करें तो असेंबली में भी इसके खिलाफ कि हम ये पास नहीं होने देंगे। तो सर देखें खर्च तो हर कोई ले रहा है, हम भी ले लेंगे तो हमारे बच्चे उसे उतारेंगे, उनके बच्चे उतारेंगे, ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए ना। तो अगर ये सिलसिले के लिए इस नीयत से कर्ज़ लिया गया है तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरी बात है या कोई गलत बात है। तो बजट के खिलाफ जो बात हो रही है इसको आप किस तरह से देखते हैं, फिर किस तरह से आप टैकल करेंगे इसे? देखिए बजट के खिलाफ जो जहाँ तक कोई किसी का वो है, कोई प्रॉब्लम है किसी सर्टेन पॉइंट पे, उसकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं जनरल इन जनरल आपको बताता हूँ कि बजट इज़ यानी ये बजट नहीं देते तो क्या बजट देते? एक देखे ना, आप तो अपने पॉकेट के हिसाब से अपना बजट बनाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इफ़ योर पॉकेट अलाउज यू टू एक्सटेंड टू सर्टेन लेवल, यू विल एक्सटेंड टू डैट लेवल, बट इफ़ योर पॉकेट इज़ रिस्ट्रिक्टेड आप क्या कर सकते हैं बजट से? यानी गवर्नमेंट क्या करे ऑल्टरनेट, क्योंकि हमने बजट प्रपोजल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने भी बना के दिया, FPCCI ने भी बना के दिया, उसमें सारे नंबर्स हैं आगे पीछे आगे पीछे। तो बजट ऑन द होल इज़ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, ये मैं अपना पर्सनल व्यू आपको दे रहा हूँ, और इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है बिकॉज ऑब्वियसली शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल कहाँ से पूरा होगा? यहीं से पूरा होगा। एंड द अपॉर्चुनिटी इज, देखिए अगले साल का बजट इससे भी ज़्यादा टफ होगा। अच्छा, ऑब्वियसली होगा ना। आप शॉर्ट टर्म तो सॉल्यूशंस पे हम काम नहीं कर रहे ना, हमारे तो सारे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, और उसके अगले साल का बजट भी शायद टफ होगा या शायद थोड़ा सा हल्का होगा। इट विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दीज टू ईयर्स, बट
इस साल का बजट जेन्युइन है, अगले साल का बजट ऐसे ही टफ होगा या इससे मेरे ख्याल में ज़्यादा टफ होगा, बिकॉज अगर आप फिस्कल डेफिसिट को देखें तो आप कहाँ से पूरा करेंगे, यू नीड मनी। जी बिल्कुल, सिंपल एज डैट। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया, बातचीत आपकी बड़ी दिलचस्प है और हमेशा की तरह तश्नगी बाकी रहती है। ज़रूर हम ज़रूर चाहेंगे कि अगले भी किसी प्रोग्राम में आपको जहमत दें और आपसे बात करें, इसलिए कि आपके बात के सेक्टर्स में एक तो पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कमेटी भी है, फिर एम्प्लॉयज़ आजिर और अजीर के मसाइल पर भी हम आपसे गुफ्तगू करना चाहेंगे, फिर ख़ासतौर पर नमक की प्रोडक्ट के बारे में भी, तो माशाल्लाह आपकी शख्सियत ने बहुत सारे मसाइल को का अहाता किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपका शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे जनाब इस्माइल सत्तार साहब की, नायब सदर वफाक वनाए तजारत सनत के और हब सॉल्ट के CEO हैं आप, और नमक के बिज़नेस में तो आप एक काफ़ी तवील अरसे से वाबस्ता हैं। और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि इस्माइल सत्तार साहब ने अपने जवाबात में उन सारी चीज़ों का जवाब दिया है कि जो इस बिज़नेस के बारे में सोशल मीडिया ने पिछले चंद दिनों से फैलाए हुए थे कि इतने पैसों में एक्सपोर्ट करता है और हमारे पास से लेने वाले इतने में करते हैं, तो ये सारे वतन दुश्मन पाउडर्ड मैसेज से हमें बचना चाहिए, कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम रिलेवेंट लोगों का मौक़ सुने कि वो क्या कह रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।